जिला मंडी में सरकार के निर्देशानुसार व्यापक असर नजर आ रहे हैं। मंडी शहर में फलों, सब्जियों, ग्रोसरी, दवाइयां और आवश्यक वस्तुओं की दुकानें ही खुली नजर आईं। इसके अलावा प्रशासन ने जो बंद किया था उसके आह्वान पर लोग बेहद कम घरों से बाहर निकले और कम आवाजाही की, और वीकेंड पर जो नियम बनाए थे उसका लोगों ने अनुपालना किया। वहीं लोगों की आवाजाही केवल निजी वाहनों में ही नजर आई। परिवहन निगम व निजी बसों में 50% सवारियों को बैठने के आदेश के बाद बसों में आवाजाही कम ही देखने को मिल रही है। लॉन्ग रूट की बसों में इक्का दुक्का सवारी ही नजर आई। स्वर्णकार एसोसिएशन के प्रधान आशुतोष पाल ने कहा कि सरकार ने जो 5 डे वीक का फैसला किया है वो सराहनीय है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, ताकि लोगों को स्वयं अपनी जिम्मेदारी को समझकर 2 दिन लोग लॉकडाउन की भांति घरों में रहें, ताकि कोरोना महामारी की चेन को तोड़ा जा सके। मैं कृष्ण चंद साडा प्रभारी बस साडा मंडी में तैनात हूँ। आज हिमाचल गवर्नमेंट के जो 50% की गाड़ी चलाने के आदेश है उसमें मंडी डिपो के कुल 210 रूट हैं, जिनमें से आज 93 रूट जो है चल रहे हैं और 8 जो लॉन्ग रूट थे वो बंद हैं। बाकी 93 रूटों में से जितने भी लोकल रूट हैं वो जो शाम को जाते थे वो जैसे हर रोज जाते हैं वैसे ही आज भी जाएंगे, लेकिन आज दोपहर में जो कुछ लोकल रूट्स हमारे चलते थे वो बंद हैं।